नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको पेंस एनाटॉमी पर। और ये देखिए, मेरे पास आके पहुंच गया है क्रिस जापान ब्लैक फाउंटेन पेन फ्रॉम पैराकार्डिन फ्लेयर का पैराकार्डिन। और ये है इसका क्रिस जापान ब्लैक। तो ये यूनिट को मैं अभी अनबॉक्स करने वाला हूँ, तो जस्ट ऊपर से खींचने से ही ये निकल के आ जाएगा। हालांकि ये जो पेंस है ये फैशन पेंस है, तो काफ़ी फाउंटेन पेंस मैंने खरीदे पैराकार्डिन की। और सच बोलूँ कि आई एम नॉट इम्प्रेस्ड एक्चुअली पैराकार्डिन के जो ये फैशन पेंस है, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड एट ऑल, क्योंकि इन लोगों में फैशन ज़्यादा रहती है और लिखने की जो काबिलियत वो कम रहती है। हालांकि इस पेन को देखिए, बहुत ही स्लिम और देखने में काफ़ी सुंदर है, क्योंकि फैशनेबल पेन और काफ़ी सुंदर पेन है। और मेरे उंगली से भी छोटा है, देखिए बहुत ही छोटा। और इसको खोलना आप देखिए, अंदर से ये गोल्ड कलर का निब, और ये बहुत ही थिन, बहुत ही लाइट है पेन हिसाब से। हालांकि मेटल बॉडी है लेकिन काफ़ी लाइट है। और ये इसकी निब, और अंदर चलिए देखते हैं अंदर में। जी हाँ, अंदर भी ये नीचे वाला जो हिस्सा है नेक, ये मेड इन प्लास्टिक, और ऊपर का जो बैरल है वो तो बना हुआ है मेटल का, ये प्योर मेटल का बना हुआ है। तो इसके साथ अगर बात करें तो उन लोगों ने दिया है लॉन्ग कार्टेजेस, थोड़ी सी दिकदारी हो रही है उसके जूम इन करने के बाद फोकस की। तो ये है, ये देख सकते हैं, ये है कार्टेजेस, लॉन्ग कार्टेजेस दिया है, 3 लॉन्ग कार्टेजेस इंक्लूडेड है बॉक्स के साथ, और साथ में एक कन्वर्टर, एक पिस्टन बेस्ड कंपाउंडर सीरीज के जैसा काम करता है। तो बस इतना ही है इसमें। तो चलिए एक बार इसको लगा लेते हैं। तो खोल दिया और ये इसको लगा लिया। तो ये है कंप्लीट पेन। हाथ में काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, देखिए हाथ में काफ़ी जचता है आप जब लिखेंगे इस पेन से, तो देखने में अच्छा लगेगा। और एक बात है, क्या इस पेन की जो ढक्कन जो है, जो कैप है इसका, आप अगर कैप को देखेंगे तो ये भी काफ़ी सुंदर कैप है, और हाथ में काफ़ी अच्छा लग रहा है, देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये देखिए इसकी जो ये क्लिप देखिए, और ऊपर में एक डायमंड शेपेड एक चीज़ दिया गया है जो चमक रहा है, बहुत ही शाइनी है। और कुल मिला के बात करें तो फैशन के हिसाब से तो काफ़ी अच्छी पेन है, बहुत ही फैशनेबल फाउंटेन पेन है, लेकिन लिखने में कैसा होगा ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं इसका अभी तक तो इसकी राइटिंग इम्प्रेशन को नहीं बना, तो राइटिंग इम्प्रेशन के बाद पता चलेगा कि पेन कैसा है। देखने में अगर अच्छा है तो काम नहीं होगा, लिखने में भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन इसकी जो बॉक्सेस आते हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। तो मैं इस बॉक्स को बाकी पेन को रखने के लिए भी इस्तेमाल करता हूँ। तो दोस्तों बस इतना ही है पैराकार्डिन का ये फैशन क्रिस पेन को लेके, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। टाटा, बाय बाय, जय हिंद।